संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अब तीसरी लहर की बात हो रही है, आपके हिसाब से हम अब नहीं जाते कि हमने क्या गलतियां की, गलतियों को हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं और पिछले 40 मिनट से वही कर रहे थे। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपके हिसाब से अब सरकारों की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए ताकि तीसरी लहर से हम बच सके। इस पे भी चर्चा है, तो दूसरी लहर से जूझे, फिर तीसरी की, और ईश्वर न करे चौथी की अगर जरूरत पड़े। हमें तैयारी पूरी रहनी चाहिए, और मैं बिल्कुल विगत में नहीं जाना चाहता। जैसे आपने कहा दीपक, ये सही बात है कि हमसे कुछ भूल हुई और उसमें इस पे उंगली उठाना या सरकार के लिए कुछ कहने से आपको पर्पस सर्व नहीं होता। मैं भी 10 मिनट आलोचना कर सकता हूँ, उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन 2-3 बातें जो लगती हैं, एक तो ये फ्री और कॉस्ट वाली डिबेट, क्षमा कीजिएगा रीना जी, और मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं, लेकिन फ्री और नॉन फ्री का कोई इशू नहीं है। असली इशू है कि देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। जो लोग पैसे देकर लगवाना चाहते हैं वो ही नहीं लगवा पा रहे, तो फ्री वालों का तो फ्री और वो मेरे ख्याल से तब डिबेट होनी ज्यादा उपयुक्त होगी जब हमारे पास वैक्सीन असल में समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। आज की तारीख में जो डॉक्टर गांगुली कह रहे थे, जिस तरह से रैंप अप हो रहा है, उनकी उनकी बात सही साबित, तो इस सब में हम सबका हित है। अब उसमें हम ये कहें कि नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो समय बताएगा, बट वैक्सीन का रैंप अप होना और वैक्सीन ड्राइव को ज्यादा सशक्त तरीके से लागू करना, उनकी सारी प्लान सही थी कि 25 के एज ग्रुप के ऊपर कर दो, ऐसे कर दो। हमारी सारी प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन के लेवल पे होती है। प्लानिंग तो हम ड्रॉइंग बोर्ड बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके लिए मुझे लगता है एक सेंट्रल टास्क फोर्स जरूर बननी चाहिए, जिसके अंदर बिना इस बात के कि कौन किस पार्टी का है, एक ऑल पार्टी एंड सीनियर कोई ब्यूरोक्रेसी की, जैसे वहां पे फौजी साहब है अमेरिका में, यहां भी सीनियर लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बट एक एम्पावर्ड सेंट्रल कमेटी होती है। अभी भी मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फैसले सिर्फ टॉप लेवल पे हो रहे हैं, बाकी सब या तो हां में हां मिला रहे हैं या ना नुकर कर रहे हैं, चुप बैठे। तो एक क्रेडिबल विश्वसनीय सेंट्रल टास्क फोर्स बनाई जाए जो पूरे देश के लिए एक नीति बनाए। देखिए बॉम्बे में कंट्रोल किया जा रहा है ना, वहां पे सब इकबाल सिंह चहल की तारीफ कर रहे हैं, जो भी वहां का बीएमसी कमिश्नर है, तो किसी ने उसको एम्पावर किया है, तो हमें ऐसे 10-20 इकबाल सिंह चहल चाहिए। और एक बात और, आपने बिल्कुल सही कही बात कि प्राइम मिनिस्टर का घर नहीं बन रहा, पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है।